नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ लिए गए शपथ ग्रहण के बारे में कुरे दे जाने पर कहा कि उस मामले को अब छोड़ दीजिए। पिछले 2.5 साल में पुल के नीचे से काफ़ी पानी बह चुका है, तो मुंबई के शिवड़ी इलाके से शिवसेना विधायक अजय चौधरी को 78 लाख रुपए का चूना लगाने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मुंबई महानगर पालिका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जोर शोर से बढ़ावा दे रही है। अब तक मुंबई में 1600 रहिवासी सोसाइटियां इस सिस्टम को लगवा चुकी है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ कथित टिप्पणी पोस्ट करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विनायक आंबेकर को कुछ लोगों ने उनके दफ्तर में घुसकर चाटा मारा। तो उधर बुलडाना जिले में एक देवर ने अपने भाभी के साथ शादी कर ली। हैरानी वाली बात यह है कि यह शादी लोगों के लिए मिसाल बन गई है, और तो और इस शादी में परिवार और समाज के लोगों की रजामंदी भी थी। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने हाल में कहा था कि हमने तो खुलेआम कांग्रेस का गठबंधन किया है, आपकी तरह सुबह सुबह शपथ ग्रहण नहीं किया है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा नेता फडणवीस ने 23 नवंबर को अजीत पवार के समर्थन से सरकार बनाई थी, जिसमें फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत ने राकापा से बगावत करके भाजपा के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन 26 नवंबर को अजीत ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार गिर गई थी। उसके बाद राज्य में 3 दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ। इस बारे में पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कभी कभी उस शपथ ग्रहण की लोगों को याद आती है, मैंने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि मुझे जब लगेगा तब मैं उस शपथ ग्रहण के बारे में बोलूंगा, अभी मुझे नहीं लगता है कि उस संबंध में बोलना चाहिए। दुर्भाग्य है कि लोग कहते हैं कि वह शपथ ग्रहण भोर में हुआ था, वह सुबह 8 बजे हुआ था, भोर सुबह 4 या 5 बजे को कहते हैं, सुबह 8 बजे को नहीं। उन्होंने कहा कि उस मामले को अब छोड़ दीजिए, पिछले 2.5 साल में पुल के नीचे से काफी पानी बह चुका है, नई सरकार अपना काम कर रही है। मुंबई के शिवडी इलाके से शिवसेना विधायक अजय चौधरी को 78 लाख रुपए का चूना लगाने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुकेतु दवे और जयेश शाह है। दवे गुजरात के अहमदाबाद का, जबकि शाह मुंबई के कांदिवली इलाके का रहने वाला है। शिकायत के मुताबिक मुंबई के परेल इलाके में रहने वाले अजय चौधरी का पास के ही एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता है, इसी खाते में उनका वेतन आता है। बैंक की ओर से 11 मई को चौधरी को फोन किया गया, लेकिन व्यस्त होने के चलते वे बात नहीं कर सके और अपने बेटे सिद्धेश को बैंक से बात करने को कहा। बैंक अधिकारी ने सिद्धेश को बताया कि बैंक की अहमदाबाद शाखा में एक 78 लाख का चेक जमा किया गया है। क्या यह चेक चौधरी ने जारी किया है? सिद्धेश ने बैंक अधिकारी को बताया कि इसे उनके पिता ने जारी नहीं किया है और यह फर्जी है, इसे पास न किया जाए। बैंक अधिकारी ने चेक की तस्वीरें भेजी तो पता चला कि चेक और हस्ताक्षर दोनों फर्जी है। छानबीन में पता चला कि शाह ने चेक दिया था जिसे दवे ने भुनाने की कोशिश की थी। शिकायत के आधार पर कालाचौकी पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने फर्जी चेक कैसे हासिल किया, इसकी जाँच की जा रही है। मुंबई में भी लगातार भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, चारों तरफ कंक्रीटीकरण हो रहा है, इसलिए बारिश का पानी पहले नालों और फिर सीधे समुद्र में पहुंच जा रहा है। लिहाजा मुंबई महानगर पालिका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जोर शोर से बढ़ावा दे रही है। अब तक मुंबई में 1600 रहवासी सोसाइटियां इस सिस्टम को लगवा चुकी है। 2500 हाउसिंग सोसाइटियों को लक्ष्य मानकर BMC चल रही है। NGO मिशन ग्रीन मुंबई के जरिए लोगों को इस काम के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संस्था ने बताया कि रोजाना करीब 100 लोग फोन कर इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फोन करने वालों में से औसत 10 से 12 लोग रोजाना उन जगहों का मुआयना करने आते हैं जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा चुका है। इसके बाद लोग अपनी सोसाइटियों में भी यह सिस्टम लगवाते हैं। BMC का मानना है कि मुंबई में हर बरसात में होने वाली जल जमाव की समस्या से निपटने में भी यह तरीका कारगर साबित होगा, इसलिए मुंबई महानगर पालिका अपने उद्यानों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवा रही है। मुंबई के स्कूल कॉलेजों में भी इसे लगाने के लिए जोर दिया जा रहा है। खासकर सोसाइटियों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर प्रेरित किया जा रहा है और सफलता भी मिल रही है। NCP चीफ शरद पवार के खिलाफ कथित टिप्पणी पोस्ट करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विनायक आंबेकर को कुछ लोगों ने उनके दफ्तर में घुसकर चाटा मारा है।
अम्बेकर ने इस मामले में करीब 20 एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि मेरे पास किसी का कॉल आया कि वह कुछ टैक्स एडवाइस चाहता है। वह आदमी 20 लोगों के साथ मेरे ऑफिस में आया और मुझे चाटा मारा, मेरा चश्मा टूट गया। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूँ। भाजपा नेता ने एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है, इस कारण सियासी बवाल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने महाराष्ट्र की सत्ताधारी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने हमलावरों पर फौरन कार्रवाई की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी एक मराठी अखबार के ट्वीट को रिट्वीट करके अभिव्यक्ति की आज़ादी का कुचलने का आरोप लगाते हुए दो दिनों में हुई इस तरह की घटनाओं पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि फ्री स्पीच के कथित चैंपियंस अपने मन की बात कहने के लिए एक बुजुर्ग नागरिक को पीटते हैं और एक महिला को गिरफ्तार करते हैं। वे अभिव्यक्ति की आज़ादी को बेरहमी से कुचलते हैं और उनके साथी पहले से तय की गई चुप्पी के साथ इस कार्रवाई को होने देते हैं। दरअसल आंबेडकर पर पवार के खिलाफ टिप्पणी लिखने से एनसीपी के लोग भड़क गए थे और उन पर इस तरह से हमला करने का आरोप लग रहा है। बुलढाणा जिले में एक देवर ने अपनी भाभी के साथ शादी कर ली। हैरानी वाली बात यह है कि यह शादी लोगों के लिए मिसाल बन गई है, और तो और इस शादी में परिवार और समाज के लोगों की रजामंदी भी थी। अब सभी लोग इस शादी से बहुत ही खुश है। मामला बुलढाणा जिले के वानखेड़ गांव का है, जहां हरिदास दामधर नाम के एक युवक ने अपनी विधवा भाभी से शादी की। हरिदास दामधर के बड़े भाई की 1.5 साल पहले लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी भाभी और उनके दो बच्चे बेसहारा हो गए। इसके बाद परिवार के लोगों और रिश्तेदारों ने हरिदास के सामने अपनी ही भाभी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। हरिदास ने समाज और दुनिया की परवाह न करते हुए सबका मान रखा और वह अपनी भाभी से शादी करने को तैयार हो गया। वही विधवा भाभी की ओर से भी शादी को लेकर जब हाँ हो गई तो परिवार के लोगों ने दोनों की शादी करा दी। बारातियों ने भी इस आदर्श विवाह में शिरकत की और हरिदास दामधर द्वारा उठाए गए कदम की जी भर के तारीफ की। हरिदास ने कहा है कि जब 1.5 साल पहले उनके भाई की मौत हो गई थी तो उनके माता पिता ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा था कि तुम अपनी भाभी से शादी कर लो, जिससे कि उन्हें और उनके दो बच्चों को सहारा मिल जाएगा। माता पिता और दोस्तों द्वारा लिया गया फैसला मुझे सही लगा और मैंने सोचा कि इससे भाभी और बच्चों का ही भला होगा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं अब अपने इस फैसले से काफी खुश हूँ। काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि जितना सोचा था उससे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं नोएडा में नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ 7 साल से डिजिटल दुष्कर्म करने के आरोप में 80 वर्षीय चित्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत राज्य के सरकारी महकमों में नियुक्त कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित जिले में तैनात किया जाएगा। तो उधर मनसे प्रमुख को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने की चेतावनी देने वाले सांसद ब्रजभूषण ने अब उनसे 2-2 हाथ करने की भी धमकी दी है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है। तीसरे और अंतिम दिन करीब 2.25 घंटे तक सर्वे चला। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि जितना सोचा था उससे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। हिंदू पक्ष के सोहनलाल ने तो यहाँ तक कहा कि बाबा मिल गए। कहाँ मिल गए पूछे जाने पर सोहनलाल ने कहा कि ये मत पूछिए। उन्होंने संत कबीर का दोहा, जिन खोजा तीन पाइया, गहरे पानी पैट, मैं बपुरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ, सुना दिया। उन्होंने बताया कि तालाब में काले रंग का पत्थर मिला है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि इस मामले में सिर्फ आधिकारिक बयानों पर ही ध्यान दे, अन्य किसी भी बयान पर भरोसा न करे। हिंदू पक्ष ने कहा है कि इसके संरक्षण के लिए वे कोर्ट जाएंगे। इसके पहले सर्वे की टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जा रही थी तब टीम के एक सदस्य को रोक लिया गया। बताया जा रहा है कि सूचनाएं लीक करने के आरोप में तीसरे दिन उन्हें सर्वे में शामिल नहीं होने दिया गया। तीसरे दिन तालाब से पानी निकलवा कर उसका सर्वे किया गया। बताया जा रहा है कि तालाब में वाटर रेसिस्टेंट कैमरा डालकर वीडियोग्राफी कराई गई। सर्वे पूरा होने पर वाराणसी जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी पक्षों को धन्यवाद दिया। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन यात्रा शुरू होने के 2 हफ्ते के भीतर ही हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और माउंटेन सिकनेस से कम 34 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो पहले कोरोना के संक्रमण से गुजर चुके थे। ऊंचाई वाली जगहों पर यात्रियों की मौत को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बढ़ाई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना से जिनके फेफड़ों में ज्यादा संक्रमण हुआ था उन्हें ऊंचाई वाली जगहों में दिक्कत होती है।
गंभीर संक्रमण की स्थिति में फेफड़े सख्त हो जाते हैं, उनके फूलने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में मैदान से आया व्यक्ति 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ चढ़ते हुए सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा होता है तो फेफड़े ठीक से फूल नहीं पाते, इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि गंभीर संक्रमण से जूझ चुके मरीज भले ही ठीक हो गए हो, लेकिन कई मामलों में उनके फेफड़े अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसे लोग ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से बचें। इसलिए यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जाँच के लिए नए मेडिकल कैंप भी बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पैदल मार्ग सहित वाहनों में भी तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग कर रही है। नोएडा में नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ 7 साल से डिजिटल दुष्कर्म करने के आरोप में 80 वर्षीय चित्रकार को सेक्टर 39 कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार मूल रूप से प्रयागराज निवासी चित्रकार मैरिस राइडर एक महिला दोस्त के साथ सेक्टर 46 में रहते हैं। उनके साथ 17 वर्षीय घरेलू सहायिका भी रहती है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 10 साल की उम्र से आरोपी यौन शोषण कर रहा है। आरोपी की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मुहैया कराई गई है। जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद बुजुर्ग को पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 376, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस सबूत एकत्र कर रही है और इन्हें एकत्र कर अदालत में पेश करने की तैयारी में लग गई है ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। विदेशों में डिजिटल दुष्कर्म शब्द काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, अब देश के कानून में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। अंग्रेजी शब्द कोश में अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली को भी डिजिट से संबंधित किया जाता है, यानी निजी अंगों को अंगुली से छेड़ने को डिजिटल दुष्कर्म कहते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत राज्य के सरकारी महकमों में नियुक्त कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित जिले में तैनात किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने पीपुल्स अलायंस फॉर गोपकार डिक्लेरेशन और भाजपा प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि घाटी के तहसील मुख्यालयों पर हाल में हुए आतंकवादी हमलों को देखते हुए कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की तैनाती सुरक्षित जिलों में की जाएगी। गत 12 मई को आतंकवादियों ने बड़गाम जिले की चाडूरा तहसील कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर में उग्र विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग की थी कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले उनके समुदाय के सदस्यों का ट्रांसफर घाटी से जम्मू में किया जाए। उन्होंने ऐसा नहीं करने पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी थी। वहीं जम्मू कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साझा मंच गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन या पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से अपील की कि वे घाटी छोड़कर न जाए, कश्मीर उनका घर है और यहाँ से उनका जाना सभी के लिए पीड़ादायक होगा। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है। मनसे प्रमुख को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी दे रहे बृजभूषण ने अब उनसे दो दो हाथ करने की भी धमकी दी है। सुल्तानपुर पहुंचे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को लेकर कहा कि अगर किसी सहयोग से राज ठाकरे उन्हें कहीं मिल जाते तो वे उनसे दो दो हाथ कर लेते। कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह लंबुआ के सर्वोदय इंटर कॉलेज में जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान मनसे प्रमुख के खिलाफ इस कदर मोर्चा खोले जाने को लेकर सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा कि राज ठाकरे से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उनकी हैसियत नहीं कि वे मुझे कोई व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा सके। काश कोई ऐसा सहयोग बनता कि राज ठाकरे मुझे कहीं मिल जाते तो दो दो हाथ जरूर कर लेता। दरअसल उत्तर भारतीयों को लेकर राज ठाकरे द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर यूपी के कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह काफी आक्रोशित है। आगामी 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं, जिसे लेकर बृजभूषण सिंह उन्हें यहाँ न आने देने के लिए लगातार जनसंपर्क और रैलियां करके अपनी मुहिम के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। उन्होंने फिर दोहराया है कि जब तक राज ठाकरे अपने बयान से माफी न मांग ले तब तक उत्तर प्रदेश की धरती पर उन्हें उतरने का कोई हक नहीं। उत्तर कोरिया में पहली बार फैले कोरोना वायरस ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना की चपेट में आने से अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह कहकर हैरान कर दिया कि रूस के साथ हमारा युद्ध कब तक चलेगा, इसका कोई अनुमान नहीं लग सकता। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश पाकिस्तान और विदेशों में रची जा रही है। इसी बीच इटली में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत नदीम रियाज को 2018 में एक महिला अधिकारी को परेशान करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया।
नदीम रियाज पर वाणिज्य मंत्रालय में ग्रेड 20 की अधिकारी सायरा इमदाद अली ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तो उधर खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे 18 मई को तलीम नरसंहार स्मरण दिवस के दौरान हमला कर सकता है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर कोरिया में पहली बार फैले कोरोना वायरस ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना की चपेट में आने से अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है और 3,92,920 लोगों में बुखार के लक्षण देखे गए हैं। बढ़ते मामलों से निपटने के लिए तानाशाह किम जोंग उन ने सेना को तैनात किया है और दवाओं की आपूर्ति को स्थिर करने का आदेश दिया है। किम जोंग उन ने देश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा रखा है। उत्तर कोरिया की सरकार संवाद एजेंसी ने बताया कि देश में 3,92,920 लोगों के अंदर बुखार के लक्षण देखे गए हैं और 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उत्तर कोरिया ने पहली बार माना है कि वह कोरोना विस्फोट से बुरी तरह से जूझ रहा है, वह भी तब जब उत्तर कोरिया के पास बहुत सीमित मात्रा में मेडिकल सप्लाई है। यही नहीं, उत्तर कोरिया में अभी तक किसी भी व्यक्ति को कोरोना का टीका नहीं लगा है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि संदिग्ध कोविड मरीजों में कितने के अंदर इसकी पुष्टि हुई है। अभी कुछ दिनों पहले तक उत्तर कोरिया का किम जोंग उन प्रशासन दावा कर रहा था कि वह कोरोना महामारी से बचा हुआ है। इस प्रकोप को रोकने के लिए 10 लाख कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वही कोरोना वायरस रोधी आपात मुख्यालय ने बताया कि अप्रैल के अंत से 12 लाख लोगों को संक्रमण हो चुका है। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया की खराब स्वास्थ्य प्रणाली के कारण वायरस के प्रसार को रोकने में नाकामी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन और रूस युद्धों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग रूसियों को देश से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि यह युद्ध कब तक चलेगा। हम उन सभी के आभारी हैं जो रूस पर प्रतिबंधों को मजबूत करने और यूक्रेन को दी जा रही सैन्य एवं वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यह रूसी आक्रमण के सामने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एकमात्र उपाय है। पश्चिमी देशों के लिए यह केवल एक खर्च या खर्च के हिसाब के बारे में मंक नहीं है, यह भविष्य के बारे में है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने अब तक 200 रूसी विमानों को मार गिराया है। इसके अलावा अनेक टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के लिहाज से रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। जेलेंस्की ने कहा कि मारियोपोल इस्पात संयंत्र में फंसे घायल लड़ाकों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों के कब्जे से कस्बों और गांवों को फिर से अपने अधिकार में ले लिया है। बिजली, पेयजल की आपूर्ति, टेलीफोन संचार और सामाजिक सेवाओं को बहाल करने के लिए काम जारी है। हम अपने देश को रूस की बुरी नज़रों से बचाकर ही दम लेंगे। हम मानवता के दुश्मन नहीं, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी से दुश्मनी लेने को हमेशा तैयार है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश पाकिस्तान और विदेशों में रची जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो लोगों को उनके द्वारा हाल ही में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपराधियों के बारे में पता चल जाएगा। इसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। दरअसल कुछ दिन पहले इस खतरनाक साजिश के बारे में पता चला और रिकॉर्ड किए गए वीडियो में इसमें शामिल सभी लोगों के नाम लिए गए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष ने इससे पहले कहा था कि उनकी सरकार को हटाने में शामिल सभी लोगों के नाम उनके दिल पर लिखे हैं। खान ने अपनी सरकार को गिराने के लिए एक बार फिर से अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मैंने सैन्य प्रतिष्ठान से हस्तक्षेप करने और अपनी सरकार को बचाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने तीनों कठपुतलियों शहबाज शरीफ, पीपीपी के आसिफ अली जरदारी और जेयूआईएफ के मौलाना फजलुर रहमान को चेतावनी दी कि वे हमारे आज़ादी के आंदोलन में कोई बाधा न पैदा करें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खान अब लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अपनी हत्या की यह फर्जी कहानी लेकर आए हैं, पर पाकिस्तान की राजनीति में इस पागल आदमी की अब कोई जगह नहीं है। इटली में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत नदीम रियाज को 2018 में एक महिला अधिकारी को परेशान करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। नदीम रियाज पर वाणिज्य मंत्रालय में ग्रेड 20 की अधिकारी सायरा इमदाद अली ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार संघीय लोकपाल कश्मीरा तारिक ने उत्पीड़न के आरोप साबित होने के बाद इटली में पाकिस्तानी दूतावास के मिशन प्रमुख को बर्खास्त करने का फैसला लिया।
साथ ही नदीम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह रकम शिकायतकर्ता सायरा इमदाद अली को मुआवजे के रूप में भुगतान की जाएगी। लोकपाल ने यह भी निर्देश दिया कि उनके सुनाए गए फैसले की एक प्रति 7 दिनों के भीतर विदेश मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए। सायरा इमदाद अली ने अपनी शिकायत में कहा था कि जब वह 2018 में इटली में पाकिस्तानी मिशन में तैनात थी तो नदीम ने उसे अन्य देशों के शहरों का दौरा करने के लिए कहा जो उसके कार्यभार से संबंधित नहीं था। सायरा इमदाद अली ने नदीम पर आपत्तिजनक कहानियां सुनाने का भी आरोप लगाया था। सायरा का आरोप था कि नदीम रियाज उसको रोजाना अपनी ऐसी कहानियां सुनने के लिए विवश करते थे। इन कहानियों की भाषा बेहद आपत्तिजनक होती थी। सायरा ने यह भी इल्जाम लगाया कि रियाज ने उन्हें अपने घर के बगल में रहने का दबाव डाला। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम यानी लिट्टे 18 मई को तमिल नरसंहार स्मरण दिवस के दौरान हमला कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने देश में सुरक्षा कड़ी कर दी है। तमिल नरसंहार स्मरण दिवस को मुलविकिल स्मरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 18 मई को श्रीलंकाई तमिलों द्वारा प्रतिवर्ष चिन्हित किया जाता है। इसी तारीख को द्वीप राष्ट्र में 25 साल से अधिक समय तक चला गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में खुफिया और सुरक्षा बलों को प्राप्त सूचना की विधिवत जांच की जाएगी, साथ ही सुरक्षा को मजबूती करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी कि लिट्टे कैडर स्थिति का फायदा उठाते हुए हमला कर सकता है। शुरुआत में श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा था, यह खबर पूरी तरह से निराधार है, हमें इस तरह की कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली है। मार्क्सवादी नेशनल पीपुल्स पावर के राजनेता बिमल रत्नायके ने खबर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या यह एक सच्ची खबर है। महिंद्रा राजपक्षे की सरकार को गिराने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने बड़े भाई की जगह 6 बार के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बावजूद इसके देश में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।